नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध देखेंगे। हम लोग याद रखिए, इसमें बात करेंगे मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर आपके जो मौलिक अधिकार हैं, ये नीति निर्देशक तत्वों से महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से अधिक मजबूत क्यों है, आखिर उस पर भी बात करेंगे। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, किस तरह से हैं, इस पर भी बात करेंगे। और न्यायपालिका में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी जो भी प्रावधान है उन पर भी बात करेंगे। और आपके मन में भी कोई विचार है तो आप भी नीचे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। एक बात और याद रखिए, मुझे लगता है पहले मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर उसके बाद नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कुछ बता दूं, उसके बाद हम लोग इनमें संबंध समझेंगे। और वैसे आपका एनसीईआरटी और कई, मतलब आप लूसेंट देख लीजिए, फिर चाहे आपकी जो और बुक्स हम लोगों ने कवर की हुई है उसमें बहुत विस्तार से इन्हें पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी में बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है, तो मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मौलिक अधिकारों की अगर बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान में कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। बस दो को छोड़कर, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर, इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। मौलिक संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन आप सभी ये भी जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए और याद रखिए, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस बन चुका है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। अब वर्तमान में क्या है? कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। ये भी आप पॉइंट याद रखिए, कहाँ जोड़ा गया? अनुच्छेद 300A में। ठीक है, अगर हम लोग भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हुए, 6, पहले संपत्ति का था उसे हटा दिया गया, अब 6 बचे हुए हैं, कौन कौन से? पहला है आपका समता या फिर समानता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 30 में, और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 में। अगर आपके संवैधानिक अधिकार का मतलब यह है कि अगर आपके अधिकारों का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसके तहत। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब इन्हें थोड़ा देख लेते हैं, समता का या समानता का जो अधिकार है, इसमें अनुच्छेद जो 14 है या विधि के समक्ष समता, इसका विधि के समक्ष समता से संबंधित है। इसका क्या अर्थ होता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर समान ढंग से उन्हें लागू करेगा, यानी कि राज्य किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। फिर अनुच्छेद 15 की बात करें तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के बाद आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं? राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश या फिर जाति, लिंग और जन्म स्थान के आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप जानते थे कि 1947 के पहले जब हम आजाद नहीं हुए तो हमारे देश में कई तरह के भेदभाव व्याप्त थे, तो उन्हीं को खत्म करने के लिए इस तरह के प्रावधान रखे गए। अनुच्छेद अगर हम लोग 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी कि कहने का मतलब है कि सरकारी जो भी नौकरियां हैं इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें भी अपवाद है, अनुसूचित जाति जनजाति इस तरह पिछड़े वर्ग या महिलाओं बच्चों के लिए इस तरह का कुछ प्रावधान भी इसमें छोड़ा जा सकता है। अनुच्छेद जो 17 है ये अस्पष्टता का अंत करता है, अस्पष्टता यानी कि भेदभाव के उन्मूलन के लिए इससे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
आप जानते हैं कि एक्ट भी आए हुए थे आपका 1955 का देख लीजिए, फिर 1976 में वो, उसके बाद 1993 में आपने देखा है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत अंत की बात करता है। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। आप समझिए कि भारत का अगर कोई नागरिक विदेशों से भी कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उसे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति से पूछना होगा। दूसरा आपका अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिए, एक क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब लेकिन सिर्फ 6 का, एक क्योंकि आपकी हटा दी गया है। ठीक है, 19A में बोलने की स्वतंत्रता है आपको, 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब है कि आप कहीं भी बैठक कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, बस शांतिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगे। तो 19C के तहत आप संघ यानी कि संगठन बना सकते हैं। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी कि आ जा भी सकते हैं। पहले क्या हुआ था, करता था कि जम्मू कश्मीर में जाने में परेशानी हुआ करती थी, लेकिन आप जानते हैं कि 370 हटाने के बाद सब नॉर्मल प्रावधान कर दिया गया। अब वो सभी प्रावधान वहां भी लागू होंगे जम्मू कश्मीर में जो बाकी राज्यों में लागू होते हैं। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। इसे अपवाद जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है, 19F की बात करें तो संपत्ति का अधिकार था, इसे भी अब हटाकर 300A में जोड़ दिया गया। 19G कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। और याद रखिए, प्रेस की यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही है। याद रखिए, अब क्या रहता है कि आप देखते हैं कि संविधानों में जो भी संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद किसी खास अनुच्छेद के अंतर्गत ही ए करके बी करके जोड़ दिए जाते हैं। फिर आता है आपका अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को एक बार ही सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक अपराध के लिए उसे कई बार सजा दी जाए। और ये भी प्रावधान है कि आप जब भी कोई अपराध करता है उसी समय में जो भी कानून होगा उसी के अनुसार उसे सजा मिलेगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बात नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे उसी के मतलब गवाही देने के लिए बात नहीं कर सकते हैं कि वो खुद गवाही दे। फिर आपका अनुच्छेद 21 देखते हैं, प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यही आपका अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये आपका 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। फिर आपका अनुच्छेद 22 आता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान होती है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। यही आप सोचिए कि किसी को कोई गिरफ्तार करती है पुलिस तो उसे बताना होगा कि किस कारण में किस अपराध में उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर उसे जो भी आसपास न्यायालय होगा उसमें समक्ष पेश किया जाएगा और जो गिरफ्तार किया गया है जिस व्यक्ति को वो अपने वकील से किसी भी तरह की सलाह भी ले सकता है। फिर आप देखेंगे तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी और इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इसे आप लोग पहले देखते थे अंग्रेजों के समय कि बेचा जाता था व्यक्तियों के यहां से वहां। बस इसमें अपवाद है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बात किया जा सकता है। अगर हमारे देश को कुछ जरूरत है तो इसे किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या फिर खानों या फिर अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगर 14 साल से कोई कम उम्र का बच्चा है तो उसे किसी भी कारखाने में लगाया नहीं जा सकता है, उसे काम नहीं कराया जा सकता है। चाइल्ड लेबर आप लोग सुनते रहते हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 देखेंगे आप, अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रचार प्रसार प्रचार कर सकता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब है कि धार्मिक कार्यों जो भी चलते हैं उसकी प्रबंधन यानी कि देख देख की व्यवस्था है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने की बात नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म या फिर धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। कहने का मतलब यह है कि धार्मिक कार्यों के लिए अगर कहीं से पैसा आता है तो उस पर टैक्स देने से छूट है, कर नहीं देना पड़ता है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी संस्था शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को वलाद सुनने हेतु बात नहीं कर सकते। कहने का सीधा सा मतलब ये है आपका कि अगर सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है किसी शिक्षा संस्थान को, वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, याद रखिए। अगर आपका प्राइवेट स्कूल है तो आप लोग दे सकते हैं इसे। फिर आपका है पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 इसमें शामिल है। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ये क्या किया जाता है कि अल्पसंख्यक जो भी हमारे देश में देखते हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, आप सिख ईसाई इस तरह के देख सकते हैं, तो इन्हें संरक्षण की भाषा हो चाहे लिपि हो संस्कृति हो उसे बचाने के लिए इस तरह का प्रावधान रखा गया। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। एक आप सुनते हैं संविधानिक उपचार का अधिकार। संविधानिक उपचार का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। जो संविधान उपचार का अधिकार है 32, इसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है, इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयां द्वारा उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्पेषण और अधिकार पेक्षा लेख। तो ये थे आपके मौलिक अधिकार, ठीक है, इन्हें अच्छी तरह से याद रख लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन आपके हमेशा बनते रहते हैं। फिर आपके राजनीति निदेशक तत्वों की बात करें तो ये भाग 4 में शामिल है और याद रखिए आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड से। अनुच्छेद और विवरण 36 अनुच्छेद इसमें है राज्य की परिभाषा बताता है। 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना यानी कि इन्हें लागू करना या ना लागू करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है। इसके विरोध ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय में जा सकते हैं, ये अधिकार आपको नहीं मिलेगा। जो 38 है इसकी बात करें तो राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तथ्य है। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है इससे 40 याद रखिए। गांधी जी के परामर्श पर भी इसी तरह का ये आर्टिकल जोड़ा गया है लगभग। 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 में कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना। 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। इसमें याद रखिए 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है, शिक्षा की बात की जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपके 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे या बालिकाएं होंगी उन्हें आपका मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। 47 की बात करें तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 की बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों, वस्तुओं का संरक्षण देना। 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। तो ये थे आपके मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक। एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। फिर चाहे आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए जो नीति निर्देशक तत्व है, इस मामले में आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ये एक तरह से राज्यों पर निर्भर करते हैं कि वो आपको दे सकते हैं ये नहीं दे सकते हैं। उनका अगर मन चाह तो दे सकते हैं और वो नहीं चाह तो नहीं दे सकते हैं। ये इसलिए जोड़े गए क्योंकि आप सोचिए कि आप वोट देते हैं राज्य में, आप सरकारें बनाते हैं, तो राज्य सरकार का भी तो कर्तव्य है कि आपके लिए कुछ कल्याणकारी राज्य बने, यानी कि आपका कल्याण करे। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा ही है कि आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं, आप उसको मतलब 10 रुपया खर्च कर रहे हैं, आप उसे इतना मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उसके लिए, तो उसका भी तो कर्तव्य बनता है कि वो आपका भी ख्याल रखे। समझ रहे हैं? एक तरफ से तो होगा नहीं, तो वही प्रावधान इसमें रखे गए। अब मैं वापस अपने जो संबंधों की बात की जा रही थी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में, उसी पर बात करते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संविधानिक ढांचे के अभिन्न अंग माने जाते हैं। ये एक दूसरे के पूरक भी है। ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तथ्यों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है आखिर? मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं, जो कि लोकतंत्र का आधार है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र तभी कह सकते हैं कि सबको समानता मिली हुई है, सभी को स्वतंत्रता है कि कोई भी बोल सकता है, कोई भी चुनाव भी लड़ सकता है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो यही तो लोकतंत्र के आधार है। और जबकि नीति अगर निर्देशक तथ्यों की बात करें तो समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें समाजवाद, उदारवाद, गांधीवाद जैसे मूल्यों का समायोजन करता है। मौलिक अधिकारों को संविधान का संरक्षण प्राप्त है, वे न्याय योग्य है, जबकि जो नीति निर्देशक तथ्य दिए गए ये आपके संविधान का संरक्षण नहीं मिला है। अतः इस दृष्टिकोण से मौलिक अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य रूप से संसाधन उपलब्ध कराता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व संसाधनों पर निर्भर है। एक बार बता रहा हूं ना कि आपको कि जो नीति निर्देशक तथ्य है ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अगर आपका सरकार को आपको देखना है कि सरकार आपके हित में काम कर रही है और जनता का ख्याल रखती है, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। अगर आपकी सरकार आपके यहाँ का जो भी चुना है आपने प्रतिनिधि वो अच्छा है, आपका ख्याल रख रहा है, तो ये सभी आपको मौलिक जो नीति निर्देशक तथ्य है इनमें जो भी प्रावधान है वो आपको उपलब्ध कराएगा। ऐसा नहीं कि आप उससे जबरदस्ती मांग नहीं मांग सकते हैं, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से अधिक मजबूत क्यों है आखिर? मौलिक अधिकारों पर युक्त निर्बंधन लोक व्यवस्था, देश की एकता, अखंडता और सदाचार आदि के आधार पर किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि लोक व्यवस्था, देश की एकता, अखंडता और सदाचार के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का आधार भी नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जैसे संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना। 86वें संविधान संशोधन का आधार भी नीति निर्देशक तत्व है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय पर अधिक बल दिया गया है, जिससे नीति निर्देशक तत्वों का महत्व स्पष्ट होता है। जब आप लोग उद्देशिका पढ़ते हैं तो उसमें ये भी शब्द देखते हैं ना आप लोग, सामाजिक आर्थिक न्याय। फिर आपका मौलिक अधिकारों में नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक अवधारणा किस तरह से है? मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। दोनों की पूरक होने से समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है। क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। कभी कभी आर्टिकल ऐसे होते हैं कि जिन्हें पढ़ते समय बैटरी कब लो हो जाती है पता ही नहीं चलता है।
इतना मतलब इंटरेस्टिंग रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, अतः दोनों पूरक होते होकर व्यक्ति और समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, लोकतंत्र का असली मतलब तभी सबसे मतलब सफल तभी होता है लोकतंत्र। आप सफलता उसकी मतलब इसी से लगा सकते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व मिले हुए हैं आपको और मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ये पूरी तरह से लागू है, इनका पूरा फायदा जनता को मिल रहा है, तभी कह सकते हैं आप लोग कि हाँ हमारे देश में लोकतंत्र है। और एक आपका बता चुका हूं कि नीति निर्देशक तत्व के बाद आपने देखा होगा मौलिक कर्तव्य। तो मुझे लगता है कि नीति निर्देशक तत्व अगर आपके देश में अच्छे से लागू है, आपको पूरा फायदा मिल रहा है, मौलिक अधिकारों का पूरा फायदा मिल रहा है, तो नीति जो आपके मौलिक कर्तव्य है उसे आप लोगों को निभाना चाहिए, समझ रहे हैं, उसमें जो भी प्रावधान है वो सभी आपको फॉलो करना चाहिए। मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है, जबकि नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि और क्या किया जाना बाकी है। इस तरह नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों का मार्गदर्शन करता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत है और संविधान के भाग 3 के उपबंध कुछ इन सिद्धांतों के साथ ही समझा जाना चाहिए। मिनर्वा मिल भारत बनाम भारत संघ मामले में भाग 3 और भाग 4 को एक दूसरे का पूरक बताया। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में स्पष्ट किया गया है कि भाग 3 और भाग 4 एक दूसरे के सहायक हैं। न्यायपालिका में अगर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तथ्यों की बात करें तो चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य वाद 1951 में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में किसे सर्वोच्चता दी जाए। न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। इस निर्णय को प्रभावित करते हुए प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कहा गया है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विशेष उपबंध किया जा सकता है। साथ ही द्वितीय संविधान संशोधन 1956 द्वारा कहा गया है कि अगर राज्य के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करता है वो कुछ मुआवजा देता है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद आता है 1967 में। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संशोधन की मनाही कर दी और नीति निर्देशक तत्व की स्थिति मौलिक अधिकार के अधीनस्थ के रूप में हो गई। उपयुक्त निर्णय को प्रभावी बनाने हेतु 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया। इसमें कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों अधिकार संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है। 25वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 31 जोड़कर कहा गया है कि 39B और 39C में समाजवादी तत्व विद्यमान है जिन्हें लागू करने पर अगर अनुच्छेद आपका 19 और 21 जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं कि अगर आर्टिकल 39B और 39C अगर राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं तो आर्टिकल 19 और 21 आपका माफ करिए रुक जाइए थोड़ा, इसका मतलब यह है कि अगर 39B और C अगर राज्य ने लागू करता है तो जो आपकी 19 है और आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 यहाँ मिसप्रिंट हो गया, याद रखिए गलत छप गया, तो आर्टिकल जो 14 है और आपका 19 है या 31 था पहले, जैसे 31 को मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया, अब तो केवल 14 और 19 अगर इन दोनों का अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे मान्य नहीं होंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनका उल्लंघन होगा अगर आर्टिकल 39B और C लागू करती है राज्य सरकार, तो इसमें 14 और 19A आपका मतलब क्या होगा कि इसका उल्लंघन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भौतिक संसाधनों का पर्याप्त वितरण की बात की जाती है, समान कार्यों के लिए वेतन की बात की जाती है 39 में, और आप देखते हैं बच्चों और श्रमिकों को संरक्षण की बात की जाती है। जब आप क्या करेंगे कि एक दूसरे वर्ग को संरक्षण देंगे तो आप जानते हैं कि एक दूसरे वर्ग का तो मतलब उसमें आप सोचिए उनका अधिकारों का तो उल्लंघन होगा ना, तो इसमें प्रावधान रखा गया है कि 39B और C को अगर लागू किया जाता है तो ये नहीं माना जाएगा कि 14 आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हुआ है।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 1973 में 24 और 25वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, जहां कोर्ट ने इन्हें संविधानिक घोषित किया, कहा कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा विस्तार दिया गया और कहा गया किसी भी नीति निर्देशक तथ्यों को लागू करने से किसी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह मान्य नहीं होगा। एक बात और याद रखिए, जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, ये आपका इंदिरा गांधी के समय आपने देखा है कि जो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था उसी समय की बात की जा रही है। और 42वें संविधान संशोधन को आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फिर आपका मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980 में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तथ्य एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप जो जानिए कि अगर नीति निर्देशक तथ्यों को लागू करती है राज्य सरकार तो कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी होता है इस मामले में। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके मौलिक अधिकारों की और नीति निर्देशक तथ्यों की। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए याद रख लेना अच्छे से।